यूपी के कई जिलों में बाढ़ के कहर को देखते हुए प्रदेश के 22 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है। जिलों में बाढ़ से हाहाकार की स्थिति है। बाढ़ के कारण अब तक हजारों हेक्टेयर फसलें प्रभावित हो चुकी हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ प्रभावित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों का पलायन जारी है। लोग गाँव से सुरक्षित स्थानों में जा रहे हैं। बाराबंकी जिले के कोटवा धाम और गणेशपुर इलाकों में बैराजों से 2.90 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सरयू नदी का जलस्तर लाल निशान को पार कर गया। नदी का पानी तेजी से गांव की ओर बढ़ने से तराई में हड़कंप मच गया है और लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन कर रहे हैं। उधर मसीना के भंवर में फंसकर तेलवारी गांव के 2 और मकान नदी की धारा में समा गए हैं। एल्गिन ब्रिज पर बने कंट्रोल रूम के अनुसार नेपाल द्वारा शारदा बैराज से 1,46,000 तथा गिरजा बैराज से 1,42,000 क्यूसेक पानी मंगलवार को सरयू नदी में करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी का पानी लाल निशान को पार कर गया। पानी गांव की ओर तेजी से बढ़ता देख लोग सुरक्षित स्थानों के लिए निकल पड़े। वहीं मसीना भंवर की चपेट में आकर तेलवारी गांव के नुखई और श्रीराम के मकान नदी की धारा में समा गए हैं। इसके अलावा सनावा, कहारनपुरवा, तेलवारी, कोठीडीहा, टेपरा, बघौलीपुरा, सराय सुरजन, गुबराहा, बेहटा, परसवाल, मंझरा, रायपुर, बबुरी, घुंटरू, सरदाहा, भयकपुरवा, इटुहा, पूर्व आदि कई गांवों में लोगों में बाढ़ को लेकर दहशत फैल गई है। गांव की ओर से पानी आता देखकर स्थानीय लोगों ने गांव छोड़कर अभिनगर रानी बहु तटबंध सुरक्षित स्थान पर पलायन शुरू कर दिया है। हालांकि तहसील प्रशासन की तरफ से कोई मदद न मिलने से बाढ़ प्रभावितों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर सबकी सीधी आप।